नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट डाटा 2021 एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो करंट डाटा है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो डाटा पढ़ने का समय है वो यही है और एग्ज़ाम के भी कुछ दिन नहीं बचे हैं, तो अपन बात करते हैं करंट डाटा के बारे में। और करंट डाटा के दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो जेट हो, चाहे वो ICR हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली सारी जो वीडियो जो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट डाटा से। और करंट डाटा में सबसे पहले हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। जो करंट डाटा शुरू होता है वो भारत से शुरू होता है, तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, क्योंकि जो कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक में एक भौतिक प्रदर्श का टॉपिक दे रखा है एग्रोनॉमी में, तो वहाँ से वो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर मैं बात कहूँ कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल है तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर। आगे मैं बात करूँ इसमें फसल योग्य क्षेत्रफल यानी इस क्षेत्रफल में ऐसा क्षेत्रफल कितना है जहाँ फसल उत्पादन किया जा सकता है, तो वो है 198 मिलियन हेक्टेयर। फसल योग्य क्षेत्रफल कितना है भारत में? 198 मिलियन हेक्टेयर। आगे मैं बात कहूँ शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल। शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्रफल जहाँ केवल फसलें ही उत्पादित की जा सकती हों, बीयर भूमि ना हो, तो वो कितना है? 141.40 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 141.40 मिलियन हेक्टेयर। आगे हम बात करें कुल सिंचित क्षेत्रफल यानी ऐसा क्षेत्रफल जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 96.5 मिलियन हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 96.5 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम बात कहें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, आगे वो पूछेगा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 68 मिलियन हेक्टेयर। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 68 मिलियन हेक्टेयर। वो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है। आगे हम बात करें प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता, भारत में प्रति व्यक्ति कितनी जमीन उपलब्धता है, तो भारत में प्रति व्यक्ति 0.15 हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता है। यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदर की बात करें तो भारत के हर व्यक्ति के हिस्से में 0.15 हेक्टेयर जमीन आती है। तो ये तो हमने बात करी स्पेशली भारत की, कहाँ से? पृष्ठभूमि से। कुल क्षेत्रफल 328.74 मिलियन हेक्टेयर, कुल फसल योग्य क्षेत्रफल 198 मिलियन हेक्टेयर, शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल 141.40 मिलियन हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्रफल 96.5 मिलियन हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 68 मिलियन हेक्टेयर। तो प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता कितनी है? 0.15 हेक्टेयर। अब देखो अपन आगे बात करें इसी तरह से राजस्थान की। अब इसी तरह से प्रश्न पूछता है वो राजस्थान से कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपसे कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछेगा, केवल मिलियन हेक्टेयर में पूछेगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.9 मिलियन हेक्टेयर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 32.9 मिलियन हेक्टेयर है। अगर इस क्षेत्रफल में से फसल योग्य क्षेत्रफल की बात कहें तो 19 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहाँ फसल उत्पादित की जा सकती है। फसल योग्य क्षेत्रफल कितना है? 19 मिलियन हेक्टेयर। अगर शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल की बात कहें तो 12 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल कितना है? 12 मिलियन हेक्टेयर। और अगर कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात की जाए कि इसमें से सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो सिंचित क्षेत्रफल है 8.6 मिलियन हेक्टेयर। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 8.6 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम बात कहें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, तो राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 6.4 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 6.4 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि भारत का राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.9 मिलियन हेक्टेयर। राजस्थान में कुल फसल योग्य क्षेत्रफल कितना है? 19 मिलियन हेक्टेयर। वो प्रश्न पूछेगा राजस्थान में शुद्ध फसल योग्य क्षेत्रफल कितना है, तो 12 मिलियन हेक्टेयर। वो प्रश्न पूछेगा राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 8.6 मिलियन हेक्टेयर। वो प्रश्न पूछेगा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 6.4 मिलियन हेक्टेयर। ये चीज़ आप रट लेना, वो यहाँ से प्रश्न जरूर पुट ऑफ करता है। अब देखो अपन आगे बात कहें
भारत में सर्वाधिक, कुछ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं भारत में सर्वाधिक। तो सबसे पहले हम बात करें क्षेत्रफल, यानी भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान में। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की अगर बात की जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। अगर कोई क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहाँ है, राजस्थान में। अगर सिंचित क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करें सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत, यानी कौन से राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है, तो प्रतिशत शब्द अगर दिया हो तो कौन सा आएगा, पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है। आगे हम बात करें ड्रिप के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी भारत में ड्रिप के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। आगे हम बात करें फव्वारा के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो वो है राजस्थान में। फव्वारा के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, राजस्थान में है। आगे हम बात करें भारत में सर्वाधिक ज्योत का आकार, तो ज्योत के आकार की अगर हम बात करें तो कहाँ है, वो राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक ज्योत का आकार कहाँ है, राजस्थान में। आगे मैं बात कहूँ उर्वरक खपत, कि सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उर्वरकों का उपयोग करने वाला या उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आगे मैं बात कहूँ प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत, एक तो उर्वरक खपत हो गई, एक प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत हो गई, तो प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की अगर बात की जाए तो वो है पंजाब, ध्यान रखना। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा है, पंजाब। और कुल उर्वरक खपत की बात की जाए तो कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से यहाँ से वो आपको प्रश्न पूछ लेगा। अब देखो अपन आगे बात कहें तो आगे अपन बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन, आगे कहाँ से पूछेगा, खाद्यान्न उत्पादन से प्रश्न पूछेगा। मैंने जो डाटा बनाया है वो बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको PDF लेनी है इसकी तो कमेंट में अपना नंबर जरूर टाइप करना, PDF भी आपको मिल जाएगी। अब देखो हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन में कुल उत्पादन की, अब देखो कुल उत्पादन की बात करें कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 301 मिलियन टन है। कितना, 301 मिलियन टन। तो एक प्रश्न तो वो यहीं से पूछ सकता है कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 301 मिलियन टन। आगे मैं बात कहूँ इस 301 मिलियन टन में से दलहन उत्पादन कितना है, तो इनमें इसमें से 25.60 मिलियन हेक्टेयर क्या है, दलहन उत्पादन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 301 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 25.60 मिलियन हेक्टेयर क्या है, दलहन उत्पादन। और अगर तिलहन उत्पादन की बात की जाए तो वो है 36.57 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 36.57 मिलियन हेक्टेयर। तो वैसे पूछ सकता है कि भारत में कुल तिलहन उत्पादन कितना है, तो 36.57 मिलियन हेक्टेयर। कुल दलहन उत्पादन कितना है, 25.60 मिलियन हेक्टेयर। और कुल उत्पादन कितना है खाद्यान्न का, तो 301 मिलियन हेक्टेयर। आगे हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन, यानी खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन कौन से खाद्यान्न का होता है, तो अगर मैं खाद्यान्न की बात कहूँ तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूँ और उसके बाद गन्ना। ये भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, चावल का, उसके बाद गेहूँ, और तीसरे नंबर पर क्या आता है, गन्ना आता है। आगे मैं बात कहूँ सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब हम बात कहें सर्वाधिक दलहन उत्पादन, दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक दलहन उत्पादन होता है राजस्थान में, और सर्वाधिक तिलहन उत्पादन भी कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। पहले दलहनों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता था, लेकिन नई डाटा में दोनों राजस्थान हो गए। सर्वाधिक दलहन और सर्वाधिक तिलहन उत्पादन अब कहाँ होते हैं, राजस्थान में ही होते हैं। अब देखो अपन आगे बात कहें तो सर्वाधिक फसल उत्पादक राज्य, सर्वाधिक फसल उत्पादक राज्य, यानी राज्य में से पूछ लेगा फसल का नाम, देखिए कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कहें धान की, तो धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक धान कहाँ पैदा किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए गेहूँ कहाँ पैदा किया जाता है, तो गेहूँ उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक जौ उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आगे मैं बात कहूँ बाजरा सरसों, तो बाजरा और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में।
आगे मैं बात कहूँ मक्का, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटका, यानी कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे अपन बात कहें कपास, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। जो कपास है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। उसी तरह से अगर हम बात कहें मूंगफली, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? गुजरात में। कपास और मूंगफली दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। आगे मैं बात कहूँ सोयाबीन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को इसीलिए क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। आगे मैं बात कहूँ मसाले, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और अगर हम कुल खाद्यान्न उत्पादन की भी बात कहें, तो कुल खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। कुल खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी या उत्तर प्रदेश में होता है। अब देखो अपन आगे बात कहें सर्वाधिक फसल उत्पादक जिले, वो तो हमने बात की राज्यों की, कौन कौन से राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है सर्वाधिक। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादक जिले, प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है वो। जैसे हम बात कहें धान की, कि सर्वाधिक धान का उत्पादक किस जिले में होता है? तो राजस्थान में बूंदी जिले में सर्वाधिक धान या चावल का उत्पादन होता है। अगर मैं गेहूं की बात कहूं, तो गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर मैं गन्ना की बात कहूं, तो गन्ना का उत्पादन भी गंगानगर में होता है। अगर मैं जौ की बात कहूं, तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर में ही होता है। अगर बाजरा की कहें, तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में अलवर ज़िले में होता है। राजस्थान के अलवर ज़िले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं अगर सरसों की बात कहें, तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? अलवर में ही होता है। आगे हम बात करें मक्का, तो मक्का का कहाँ होता है? भीलवाड़ा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। आगे अगर अपन बात कहें कपास, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। मूंगफली की बात कहें, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। इसलिए लूणकरणसर बीकानेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो बीकानेर में क्या होता है? मूंगफली उत्पादन होता है। अगर सोयाबीन की बात कहें, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बारा में होता है। ज्वार की बात कहें, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। चना की बात कहें, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। तिल की बात कहें, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली में। और अगर मोठ की बात कहें, तो बाड़मेर। तो ये हमने बात कर ली जिले की, कि कौन से जिले में कौन सी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखो अपन आगे बात कहें फल उत्पादन की, वो तो हमने किसकी बात की? खाद्यान्न उत्पादन। और अगर अपन आगे बात कहें फल उत्पादन, तो सबसे पहले बात कहें भारत में कुल फल उत्पादन कितना है, तो भारत में जो कुल फल उत्पादन है वो 102.4 मिलियन टन है। भारत में प्रतिवर्ष 102.4 मिलियन टन फलों का उत्पादन होता है। आगे अपन बात कहें राजस्थान की, तो राजस्थान का कुल फल उत्पादन 1.02 मिलियन टन है। राजस्थान का फल उत्पादन कितना है? 1.02 मिलियन टन। आगे हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल फलों का, यानी किस फल को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, तो वह है आम। आम के वृक्षों को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है भारत में। आगे मैं बात करूँ सर्वाधिक उत्पादन, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो केला का होता है। भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केला का। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल उगाया जाता है? आम उगाया जाता है। आगे अपन बात करें सर्वाधिक क्षेत्र पर राजस्थान में, कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से फल वृक्ष उगाए जाते हैं, तो वह है नींबू वर्गीय फल वृक्ष। नींबू वर्गीय जो फल वृक्ष हैं, वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं। और अगर उत्पादन की बात कहें, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल वृक्षों का होता है, तो वो नींबू वर्गीय जो फल हैं उनका उत्पादन ही राजस्थान में सर्वाधिक होता है। आगे मैं बात कहूँ फल उपलब्धता, तो फल उपलब्धता अगर भारत की बात कहें, तो यह है 172 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। भारत में फल उपलब्धता 172 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तथा वहीं राजस्थान में फल उपलब्धता 24 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। राजस्थान में फल उपलब्धता कितनी है? 24 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। तो अगर अपन और भी आगे बात कहें, तो यहाँ देखिए आगे आपसे पूछेगा सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य, वो आपको फल का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस राज्य में कितने फलों का उत्पादन होता है, सर्वाधिक फलों का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए अपन बात कहें सबसे पहले आम, आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है।
दूसरी बात कहें संतरा, संतरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। तीसरी बात कहें अनार, अनार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। आगे हम बात करें बेर, बेर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। ये तो बहुत ही मोस्ट है, बेर का कई बार पूछा गया है कि बेर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। आगे हम खजूर की बात कहें, खजूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो खजूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। आगे हम अमरूद की बात कहें, तो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे पर अंगूर की बात कहें, तो अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो इस प्रकार से वो आपको प्रश्न पूछ लेता है, जैसे आम का उत्पादन कहाँ है, यूपी में, संतरा का महाराष्ट्र में, अनार का महाराष्ट्र में, बेर का मध्य प्रदेश में, खजूर का राजस्थान में, अमरूद का उत्तर प्रदेश में और अंगूर का महाराष्ट्र में। इस प्रकार से वो क्या पूछता है, वो फल उत्पादक राज्य पूछ लेता है। आगे अपन बात करते हैं फल उत्पादक जिले, कि कौन से जिलों में कितने फलों का उत्पादन होता है। तो फल उत्पादक जिलों की अगर अपन बात कहें, तो मोस्टली देखो अगर अपन बात करते हैं आम की, तो आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। माल्टा की बात कहें, माल्टा, मौसमी और किन्नू, माल्टा, मौसमी और किन्नू तीनों का ही उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, गंगानगर में। जो श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिले में माल्टा, मौसमी और किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे हम बात करें संतरा, तो संतरा का उत्पादन कहाँ होता है, झालावाड़ में। इसलिए झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को। क्यों, क्योंकि वहाँ संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे हम बात कहें नींबू, तो नींबू का सर्वाधिक उत्पादन होता है पाली में। आगे हम बात कहें बेर, तो बेर का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। आगे अपन बात कहें पपीता, तो पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरोही में। आगे हम बात कहें केला, तो केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में। आगे हम बात कहें अंगूर, अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा में। आगे हम बात कहें अनार, तो अनार का सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर में। आगे हम बात कहें खजूर, खजूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। और आंवले की अगर हम बात करें, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। तो ये हमने बात कर ली फल उत्पादक जिलों की। आगे अपन बात करते हैं सब्जी उत्पादन, और सब्जी उत्पादन की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए पूरी, जो पूरी करंट डाटा की पीडीएफ है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो हम आपके लिए पीडीएफ सेंड कर देंगे। और एक बार ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।